सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी रेल विकास निगम लिमिटेड को लेकर आरविनल। आप लोग देखो, रेलवे काउंटर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। भले ही मार्केट में गिरावट हो, लेकिन रेलवे के शेयरों में हमें तेजी देखने को मिली है। ठीक है, चाहे वो रिकॉन इंटरनेशनल हो, IRFC हो, आरविनल हो। आप लोग देखो, आरविनल में एक नहीं भी दो बड़ी खबरें आई हैं। ठीक है, एक साथ दो बड़ी खुशखबरी, और उसके बाद जो शेयर है वो हमें एक अच्छी खासी रैली दिखाते हुए नजर आया। ऊपर में 7-7.5% तक जो शेयर ऊपर में उछला, अभी थोड़ा बहुत ऊपर से फिसला है भाई। 6% के आसपास आपको तेजी दिखाई दे रही है इसके अंदर। 6.89 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम आई है, और यहां पर देख सकते हो भी स्टॉक का जो आज का हाई है वो लगभग 638 रुपये के आसपास का है। तो स्टॉक में रिकवरी बनी है ना। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ भाई, आखिरकार इस रिकवरी के पीछे या फिर इस रैली के पीछे खबरें क्या हैं, क्या है कारण। तो एक नहीं दो खबरें हैं, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी, कंपनी ने अभी अभी आज के दिन ये नोटिस पब्लिश किया है मार्केट के, सॉरी NSE और BSE की जो साइट है उस पर आप लोग इसका चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन। तो आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग जो भी ये खबर आई है, बिटवीन कृष्णापट्टनम रेलवे रेलवे कंपनी लिमिटेड, जो कि एक केस जो KRCL है, ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी किसकी, आरविनल की, और किसके बीच में था भी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो इन दोनों के बीच में किसी प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग आप लोग देखोगे भी जो आर्बिट्रेशन है वहाँ पर ये मामला गया हुआ था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी क्या फैसला निकल कर आया है। आप लोगों देखो भी, सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड यानी KRCL ज्वाइंट वेंचर कंपनी आरविनल की, जिसके अंदर आरविनल का 49.76% जो अभी हिस्सेदारी है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इट हैज इन्फॉर्म बाय KRCL दैट दी होनेबल ट्रिब्यूनल हैज पास्ट, यानी कि जो ये होनेबल ट्रिब्यूनल है, इन्होंने जो अभी अपना जो ऑर्डर है वो पास कर दिया है, एंड अवार्ड ऑफ रेट 584.22 करोड़ इन फेवर ऑफ द क्लाइमेट। तो किसने भी, आप लोग क्लाइमेट, जिसने भी ये क्लेम किया है, क्लेमेंट KRCL यानी KRCL को जो अभी लगभग 584 करोड़ 22 लाख रुपए मिलेंगे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वहाँ से। तो ये बड़ी खबर आई है जो कि काफ़ी पॉजिटिव अभी, और ये जो सारा का सारा जो ये फेवर है किसके फेवर में गया, ये सारा गया अभी कैसे KRCL के फेवर में। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ सेकंड न्यूज। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे वो दूसरी खबर है BSE NSE की साइट पर, इसको अभी चेकआउट आप लोग कर सकते हो भी। यहाँ पर देखोगे रेल विकास निगम लिमिटेड साइन MOU, ठीक है, विद MS यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जो कि इजराइल की कंपनी है। इससे पहले अफ्रीका की कंपनी के साथ किया था, अभी जो आप लोग देखो यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो एक इजराइल की कंपनी है उसके साथ ये MOU साइन हुआ है, यानी कि उसके साथ साझेदारी की गई है। और यहाँ पर देखोगे किस लिए की गई है, ये देखोगे आरविनल है साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद MS यूनाइटेड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इजराइल टू कोऑपरेट विद ईच अदर टू गेट प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ रेलवे। जो रेलवे के फील्ड के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये दोनों मिलकर एक साथ मिलकर जो भी उनके ऊपर काम करेंगे। और रेलवे ही नहीं है, MRTS हो गया, टनल रोड हाईवे एंड एक्सप्रेस वे, ब्रिज बिल्डिंग वर्क्स हो गए, और एयरपोर्ट्स, पोर्ट, इरीगेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, सोलर सेक्टर, विंड सेक्टर इन इजराइल। तो इजराइल के अंदर आप लोग देखोगे जितने भी ये काम होंगे, टनल है, रोड है, हाईवे, एक्सप्रेस वे, ब्रिज बिल्डिंग वर्क्स हो गए, एयरपोर्ट, पोर्ट, इरीगेशन, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया, सोलर सेक्टर का हो गया, विंड सेक्टर का हो गया, ये सभी काम दोनों कंपनियां मिलकर करेंगी इजराइल के अंदर। और इजराइल के अंदर आपको पता होगा भी, अभी जो युद्ध चल रहा है इन दोनों हमास और इजराइल के बीच, वहां पर बहुत नुकसान हुआ, इसलिए लंबा काम चलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर यहाँ से काफ़ी अच्छी अर्निंग दे सकता है। अफ्रीका के अंदर भी आप लोग देखोगे इससे पहले कंपनी ने MOU साइन किया था, उससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी खबरें निकल कर आ रही है जिनकी वजह से आपको ये मोमेंटम पॉजिटिव स्टॉक में आज के दिन देखने को मिला है। तो चलिए अब देखते हैं चार्ट इसका। तो यहाँ पर आप लोग देखो, हमारा जो सपोर्ट बना हुआ था पहले 600 रुपये के आसा, 600 का सपोर्ट था ना, 600 को नीचे में काटा तो शेयर गया भाई ये लगभग 580 के भी नीचे में निकल गया, 570 के आसपास गया था ये। ठीक है, फिर वहाँ से आप लोग स्टॉक में फिर से रिकवरी आई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और फिर से एक बार 600 के ऊपर में स्टॉक सस्टेन किया है। यहाँ पर जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, फिर ब्रेकआउट जो रहेगा वो रहेगा अभी 642 का, इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो इसमें लॉन्ग टर्म में अच्छी रैली बनेगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने
अगर पैसा लगा रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में हम चल सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म वाले को अभी थोड़ा सचेत रहिए भाई, नीचे में सपोर्ट के ऊपर काम कीजिए। बिना सपोर्ट अभी के टाइम मार्केट में बैठना ठीक नहीं है। मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन की आशा है क्योंकि काफ़ी टाइम होगा मार्केट नॉन स्टॉप चल रहा है, तो एक हेल्दी करेक्शन मार्केट में होनी भी चाहिए भाई, जो कि आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सपोर्ट जो रहेगा अभी आप लोग देखोगे 600 हम सपोर्ट लेके चलेंगे इस करंट लेवल को 608 रुपये के आसपास का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।